सो गाइस, जनरली क्या होता है इंटरव्यू में, तुम कैसे इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते हो, बेसिकली वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को शो करता है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि बंदों का टेक्निकल इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा, एंड फाइनली वो एचआर इंटरव्यू में रह जाते हैं। जिन कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आती, जैसे Tier 3, तो उनको बेसिकली मोस्टली ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विशेष, आई एम प्री फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट एट IIT धनबाद, एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन फ्लिपकार्ट एज एन SD इंटर्न इन द कमिंग समर। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू बिकम अ जॉब रेडी प्रोग्रामर। सो फाइनली यू हैव टू बेसिकली गेट अ जॉब, राइट? सो इन दिस वीडियो वी विल सी वट ऑल टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड वट डेवलपमेंट स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड and what non-technical skills are required that are basically essential to clear the HR interviews, and fourth we will see like how to apply off campus and then what to do to stand out in on campus interviews. So guys, अगर मैं technical skills की बात करूँ तो सबसे पहले DSA आता है, तो DSA हमें करना पड़ेगा। लेकिन तुम कैसे करोगे? एक तो भी है कि तुम कोई कोर्स ले लो, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है और तुम्हें इजी रहता है पढ़ना। और अगर तुम इधर उधर से करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बेसिकली तुम कोडिंग निंजास का डाटा स्ट्रक्चर वाला कोर्स भी कर सकते हो, उससे तुम्हें बेसिक जो DSA है वो पूरा हो जाएगा, एंड कुछ तुम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओगे, एंड उसके बाद की प्रैक्टिस तुम LeetCode और कोड स्टूडियो से अच्छे से कर सकते हो। एंड अब ये एक बार DSA हो गया ना, तो तुम प्रैक्टिस ही करनी है तुम्हें अभी, तो फिर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी देख सकते हो। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम्हें बेसिकली कॉन्टेस्ट देने होंगे, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बेसिकली प्रैक्टिस ही होती है, नया तो तुम साथ साथ में थोड़ा बहुत सीखते जाओगे। एंड कॉन्टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली कंपनीज में ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट में बेसिकली एक कॉन्टेस्ट ही होता है जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होता है, तो वो तुम्हें एक्चुअली हैबिट्स ही हो जाती है कॉन्टेस्ट देने की। तो अगर तुमने पहले दिए हुए होंगे कॉन्टेस्ट, तो तुम्हें इजी रहेगा ऑनलाइन टेस्ट में। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक Codeforces और CodeChef बेस्ट हैं, एंड एट कोडर पे जो बिगनर लेवल के कॉन्टेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो तुम ये कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, एंड आई थिंक ये तुम्हारा एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर में कर लोगे आराम से DSA और CP। एंड अब इसके बाद आते हैं जो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, OOPS एंड OS। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कंपनीज के ऑनलाइन टेस्ट में ही MCQ सेक्शन होता है इन सब के लिए। सो गाइज, तुम्हें ये भी करने होंगे। ये तुम जरूरी नहीं कि शुरू में कर लो, ये जब प्लेसमेंट सीजन होगा उससे आई थिंक 2-3 मंथ्स पहले कर सकते हो आराम से। एंड ये कहाँ से करोगे? ये तुम कोड स्टूडियो पे गाइडेड पाथ हैं, वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है, काफ़ी अच्छे वहाँ पे नोट्स हैं, तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे यदि किसी टॉपिक समझ नहीं आता तो तुम वहाँ पे यूट्यूब सर्च करके कोई भी वीडियो देख सकते हो। आई थिंक आसानी से वहाँ से तुम्हारा ये कोर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। एंड एप्टीट्यूड और पजल्स को भी मिस मत करना, क्योंकि पजल्स कई बार इंटरव्यूज में पूछ ली जाती हैं। कुछ स्टैंडर्ड पजल्स हैं इंटरनेट पे, वही देख लेना। एंड एप्टीट्यूड भी बेसिक एप्टीट्यूड आना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डमैन सैक, मॉर्गन स्टैनले और एकल में ऐसा पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल गाइस। अलोंग विद दिस टेक्निकल स्किल्स तुम्हें कुछ और ध्यान रखना होगा इंटरव्यूज में। सो बेसिकली क्या होता है ना, हम जनरली कोड क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं रखते। जैसे हम कुछ भी वेरिएबल्स को नाम दे देते हैं और एक ही फंक्शन में पूरा कोड लिख देते हैं, तो वो बेसिकली जो दूसरा समझने वाला होता है ना, उसको काफ़ी दिक्कत आती है उसे समझने में। सो तुम्हारी जब इंटरव्यू में तुम कोड लिखते हो ना किसी भी प्रॉब्लम का, तो तुम्हारी उस टाइम पे कोड क्वालिटी भी चेक होती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम वेरिएबल्स को नाम प्रॉपर दे रहे हो, एक ही फंक्शन में पूरा कोड ना लिख दो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाओ। बेसिकली मॉड्यूलर कोड की बात कर रहा हूँ। सो एंड वन मोर थिंग, तुम्हें जल्दी से जल्दी सोचना होगा, क्योंकि इंटरव्यू के पास कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा। इंटरव्यू में टाइम तो लिमिटेड होता ही है, यदि तुम जल्दी से जल्दी सोचोगे ना, मतलब जल्दी से जल्दी कोड करोगे, तो इंटरव्यू को टाइम मिलेगा तुमसे फर्दर क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो वो बेसिकली तुम्हारे लिए बेटर ही होगा। सो नाउ गाइज, वी विल सी वट ऑल डेवलपमेंट स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। सो गाइज, डेवलपमेंट में बेसिकली तुम्हारे पास 3 फील्ड्स हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग।
और ये जब तीनों फील्ड्स में इसमें तुम्हें इंटरेस्ट ढूंढना होगा किस फील्ड में है, ये तुम अपने फर्स्ट ईयर में देख सकते हो कि किस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। तुम बेसिकली इनकी बेसिक्स जो वर्कशॉप्स होती हैं वो अटेंड कर सकते हो, वहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो तुम्हें इनमें से कोई भी एक चूज़ तो करनी ही होगी, क्योंकि फाइनली तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे जो रिज्यूमे में लिखने होंगे। सो तुम एफ डी भी कर सकते हो, वेब डी भी कर सकते हो और मशीन लर्निंग भी कर सकते हो। एंड मैं थोड़ा बहुत बता दूं एफ डी में क्या होता है, तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कोटलिन जावा इनका यूज़ रहता है, एंड वेब डी में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। एंड मशीन लर्निंग में मैथमेटिक्स है, पूरी अच्छे से मैथ्स है। सो तुम इन तीनों में से एक फील्ड कर लो एंड मेक श्योर कि तुम दो तीन प्रोजेक्ट्स अच्छे वाले इन तीनों फील्ड से बना लो। और जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे वो एक बात का ध्यान रखना कि डिप्लॉयड हों, लाइव हों, मतलब गिटहब का लिंक नहीं। तुम्हारे पास यदि वेब वेब का है तो तुम्हारे पास एक होस्ट वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर मशीन लर्निंग है तो वो मॉडल है जो वो डिप्लॉयड होना चाहिए। एंड एफ डी का यदि लिंक की बात करें तो प्ले स्टोर का लिंक हो तुम्हारे पास, तो इससे बेसिकली तुम्हें स्टैंड आउट करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो सभी बनाएंगे लेकिन डिप्लॉयड कोई कोई करता है। यदि तुम इसके यूजर्स मेंशन कर पाओगे, डेली यूजर्स कितने हैं, तो ये सब चीज़ें तुम्हें रिज्यूमे में हेल्प करती हैं स्टैंड आउट करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट स्किल्स एंड प्रोजेक्ट क्या बनाने हैं तुम्हें। नाउ वी विल सी वट ऑल नॉन टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। सो गाइज, जनरली क्या होता है इंटरव्यू में तुम कैसे इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते हो, बेसिकली वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को शो करता है। एंड एचआर इंटरव्यूज़ में बेसिकली नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही होते हैं, वो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं एंड वो उससे तुम्हारी टीम प्लेयर होना चेक कर सकते हैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी को बेसिकली चेक करते हैं। एंड तुम्हें इन इंटरव्यूज़ में सक्सीड करने के लिए क्या करना होगा, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देनी होगी, जैसे कि मैंने उस टाइम पे ऐसे करा था तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कुछ भी अपनी क्वालिटीज़ बताओगे ना तो उसके स्पॉट में कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस भी देनी होंगी। इसी तरह से तुम एचआर इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड या ऐसा होता है यार, मतलब एचआर इंटरव्यू को तुम लाइटली नहीं ले सकते। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि बंदों का टेक्निकल इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा, एंड फाइनली वो एचआर इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसके लिए तुम्हें पहले ही प्रिपेयर रहना होगा। एंड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं एचआर इंटरव्यू के लिए, वो तुम पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये था एचआर इंटरव्यू को क्लियर कैसे करें। नाउ वी हैव दैट स्किल्स राइट, टेक्निकल स्किल्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स, बट हाउ टू अप्लाई फॉर द कंपनीज। सो यार, एक तो है कि ऑन कैंपस, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऑन कैंपस ही बहुत कंपनीज आती हैं, तो उनका तो बेसिकली यहाँ से हो जाएगा। लेकिन उनको भी ध्यान रखना होगा कि ऑन कैंपस में तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए, बेसिकली तुम्हारे रिज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट्स ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सभी की होगी, लेकिन अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉयड हैं तो वो तुम्हें बेसिकली एज देंगे। एंड यदि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुमने कहीं पे अच्छे रैंक लेके आए हो किसी कॉन्टेस्ट में, तो तुम उन चीज़ों को अचीवमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। नाउ अभी जिन कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आती जैसे Tier 3, तो उनको बेसिकली मोस्टली ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ता है। एंड ऑफ कैंपस वाला यार थोड़ा प्रोसेस हैक्टिक रहता है। तुम आई थिंक 1000 कंपनीज में अप्लाई करोगे तो जाकर कहीं तुम्हें किसी ना किसी कंपनी से सुनने को मिलता है, बेसिकली रिप्लाई आता है। तो तुम कैसे ट्राई कर सकते हो, तुम्हें अप्लाई तो करना पड़ेगा यार ऑफ कैंपस बहुत सारी कंपनीज में। तुम लिंक्डइन पे बेसिकली रिक्रूटर्स को रीच कर सकते हो, एक एक टेम्पलेट सा मैसेज बना लो एंड सभी रिक्रूटर्स को वो भेज दो अपने रिज्यूमे के साथ, जो इंटरेस्टेड होगा वो तुम्हें रिप्लाई कर देगा। एंड दूसरा क्या है ना, आजकल क्या चल रहा है कि बहुत सारी कंपनीज अपने कंपटीशंस करवा रही हैं, अपने हैकाथॉन्स करवा रही हैं। जैसे मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो वहाँ पर ग्रिड कंपटीशन होता है, एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हें उस कंपटीशन में टॉप ही करना है। आई थिंक इस बार जिन्होंने पहला राउंड क्लियर करा था ना, उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। MCQ राउंड था वो सिंपल वाला। सो जैसे फ्लिपकार्ट का ग्रिड कंपटीशन हो गया एंड गूगल के ऐसे किक स्टार्ट होता है, एंड ऐसे सभी के अपने अपने हैकेथॉन्स होते हैं, एंड फेसबुक का जैसे हैकर कप होता है। सो इन इन सभी कंपटीशंस में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये दूसरा वे हो गया कि कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना। एंड थर्ड वे क्या है, हैकर अर्थ पर ना बहुत सी कंपनीज आजकल अपने कॉन्टेस्ट करवा रही हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान हैकर अर्थ पे भी रखना, वहाँ पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे कुछ देर पहले DP वर्ल्ड एक कंपनी है, उसका हुआ था। सो इस तरह से तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। एंड आई थिंक यस, ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस तो है, लेकिन बट होप रखना तुम्हारा बेसिकली कॉल आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।